कोरोना वायरस वैक्सीन और उसके प्रभाव को लेकर लगातार तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस सबके बीच एक और रिपोर्ट आई है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर स्पेन में एक स्टडी की गई। इस स्टडी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहले डोज के बाद फाइजर का दूसरा डोज देना काफी सुरक्षित और प्रभावी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से अधिक लोगों पर किए गए परीक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि दो अलग अलग वैक्सीन अधिक कारगर हैं। आइए इस स्टडी के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैज्ञानिक जर्नल नेचर का ये ट्वीट देखिए। 600 से ज्यादा लोगों पर किए गए ट्रायल के प्रारंभिक परिणाम ऐसे पहले परिणाम हैं जो दो वैक्सीन के संयोजन के फायदों को प्रदर्शित करते हैं। द कार्लोस्थर हेल्थ इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि दो अलग अलग वैक्सीन अधिक प्रभावी हैं। इस इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी को कोम्बी वैक्स नाम दिया है। अपनी स्टडी में 60 साल से कम 673 लोगों पर परीक्षण किया। इस परीक्षण के लिए उन लोगों को चुना गया जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज ले चुके थे और उस डोज के बाद कम से कम 8वें हफ्ते में थे। इसमें से 441 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज फाइजर की दी गई और 232 लोगों को कोई डोज नहीं दी गई। जिन लोगों ने दूसरी डोज फाइजर की ली उनके रक्त प्रवाह में IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी उन लोगों की तुलना में 30 से 40 फीसदी अधिक थी जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ली थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी डोज फाइजर की लेने के बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की उपस्थिति 7 गुना तक बढ़ गई। इसको ऐसे समझिए जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज ली हैं उनमें दूसरे डोज के बाद न्यूट्रलाइजिंग डोज की उपस्थिति दोगुनी देखी गई है, लेकिन फाइजर की दूसरी डोज लेने के बाद ये 7 गुना तक बढ़ गई है। डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। जिन लोगों ने दोनों डोज लिए उनमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट थे। सबसे आम दिक्कतें सिर दर्द, बेचैनी, ठंड लगना, हल्की उबकाई और हल्की खांसी देखी गई। ये स्टडी उस वक्त आई है जब दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। सीमित वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है और सभी देशों के पास वैक्सीन चुनने तक का अधिकार नहीं है। ऐसे में कई देश पहली और दूसरी वैक्सीन के डोज वाले रास्ते पर चल सकते हैं। झाओजिंग कनाडा के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। इस नई स्टडी को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की बॉडी में फाइजर की वैक्सीन की दूसरी डोज देने पर इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। डेनियल ऑल्टमैन लंदन के इंपीरियल कॉलेज में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी प्रतिरक्षा विज्ञान से पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन की दो अलग अलग डोज देना समझ आता है, लेकिन अगर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तीसरी डोज की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन बार बार दिए जाने से कम प्रभावी होती हैं। इसराइल के डिकोनिस मेडिकल सेंटर में मौजूद सेंटर फॉर वायरोलॉजी एंड वैक्सीन रिसर्च के निदेशक डेन बरोच का मानना है कि स्टडी से फायदा हुआ है कि वैज्ञानिक दुनिया में मौजूद अलग अलग टीकों को मिलाकर नए प्रभावी वैक्सीन बना सकते हैं। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी दो अलग अलग वैक्सीन की डोज नहीं लेने की सिफारिश की जाती है। भारत में मुख्यतः दो वैक्सीन दी जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही एक संस्करण है। रूसी स्पुतनिक वी को भारत में सभी लाइसेंस मिल गए हैं, टीके लगने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इस वैक्सीन की खास खपत होती नहीं नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक इस नई स्टडी पर अपनी कोई राय नहीं दी है। ब्रिटेन में इस तरह की एक स्टडी जारी है, लेकिन अब तक स्टडी का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। क्या है स्टडी में? इसमें टीकों की वैकल्पिक डोज कितनी प्रभावी है इसको लेकर यह स्टडी की जा रही है। ये स्टडी 8 अलग अलग वैक्सीन के कॉम्बिनेशन का आंकलन कर रही है जिसमें एस्ट्राजेनेका और फाइजर द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी शामिल हैं। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स ने स्टडी के लिए 62 करोड़ रुपए दिए हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।